we have landed और हम पहुंच गए गोवा. So let's go. So हमारा भी ट्रिप प्लान करना इतना इजी नहीं था. एंड जब हमारा डार्ट लगा गोवा पे, जो कि मैंने लगाया, उसके बाद द टू वीक्स वर क्रेजी. पर डार्ट तुमने जानबूझ के लगाया था और तुमने उसको चेंज भी किया था, पर फिलहाल तो वो आया था कर्नाटका में. ठीक है, जो नियरेस्ट लोकेशन जो डार्ट का पड़ रहा था वो गोवा ही पड़ रहा था. राइट. सो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है. बट इससे पहले हम बहुत बार गोवा होके आ चुके हैं. ये अंजलि भी बहुत बार जा चुकी है, मैं भी बहुत बार जा चुका हूँ. बट ये वाला ट्रिप मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बिकॉज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी गोवा जा चुकी हूँ और मैं आपके साथ भी जा चुकी हूँ. बट दिस टाइम यू बोथ वर टुगेदर, सो आई वॉज वेरी लक्की इन दिस ट्रिप, क्योंकि अदिति भी मेरे साथ थी और आप भी मेरे साथ थे. हाँ, ये भी. सो वी हैव रीच्ड टू द शूट लोकेशन और अभी टीम बस पहुँचने वाली है 10-15 मिनट में. क्लाइंट भी अभी पहुँचने वाली है, तो तब तक मैं और आरका बैठ के बातें कर रहे हैं. सो लेट्स सी आज क्या करते हैं शूट. हमें तो पता है बट अभी टीम को नहीं पता, तो अभी देखते हैं कैसे चलता है आज का दिन. और आज मुझे कैसे भी करके काम ख़त्म करना है, क्योंकि मैं दोबारा गाज़ियाबाद नहीं आना चाहती हूँ. तो मैं कल भी नहीं आना चाहती, तो इसलिए आज ही ख़त्म करना है. क्यों शायद आना पड़े. क्यों बढ़ जाता है हमेशा, बढ़ता मतलब अच्छा है हमारे लिए काम. मतलब टच वुड खत्म हुआ है ऑलमोस्ट 8 बजे और मैं यहाँ पहुँची हूँ बड़ी बुआ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और अभी बज रहे 9 बजे. थैंक यू सो मच. स्माइल. So dinner was good. और बुआ का बर्थडे है. बुआ हैप्पी बर्थडे. देखो वो पूरे एंड के व्लॉग में लेगी. गुड मॉर्निंग गाइस. सोफे को वापस लगाओ. हबड़ तबड़ क्यों हो गई? हबड़ तबड़ हो गई, सेटअप चेंज हो गया ना पूरा. So we shot for Armonia, that was collaborated with Dr. Jay Madan. और हम उनका 3rd time या 4th time shoot कर रहे हैं उनके साथ. So it was a really great experience. But वो उनके साथ shoot करना हमेशा ही एक experience ही अपने में, और it gives a good vibe. और उस time सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है, वो बहुत कुछ बता भी देती हैं उस time पे. Right. तो वो काफी personal life में help भी होता है काफी. बेबी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है. पता नहीं ऑफिस में पानी कैसे भर गया. ऑफिस की हालत देखो गाइस, अभी सारे रोल्स वहाँ पे सफाए हैं. तो दीपक को घर जाने. दीपक बेबी दीपक हंस रहा है, पकड़ा गया कैमरे में, पकड़ा गया साफ. दीपक हंस रहा है. हाँ बताओ. दीपक और जगदीश को मैं 5-5:30 बजे फ्री कर दूँगी, उनको कहीं जाना है, क्योंकि फिर हमें साफ़ करना पड़ेगा ये सब. नहीं हम दोनों कर लेंगे मिलकर. और फिर कल भी शूट है मॉर्निंग में. हाँ वो थोड़ा और मैंने कहा ना जाने से पहले तो होगा ही. हेक्टिक ना? हेक्टिक होना ही है, वही हो रहा है और कुछ नहीं. इतना आसान तो जिंदगी. 2 बजने वाले हैं, 2:10 है. और अभी बस अब दवाई ववाई लेना था, छोटा मोटा थोड़ा सामान लेना था. तो अभी हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? घर के लिए. फाइनली अभी घर के लिए निकल रहे हैं. बट अभी भी जर्नी बहुत है, घर जाके पैकिंग वैकिंग भी करनी है. मुझे लगता नहीं हम सो पाएंगे. सेट भी करना है चीजें, क्योंकि 4 तो बच जाएंगे. क्या क्या लेना है? 5 बच जाएंगे पैकिंग करने में. दिस टाइम शी वाज राइट. हमेशा इसकी टाइमिंग बहुत ही खराब है. देखा, कुछ बोलती है कुछ और होता है. इसका आधा घंटा मतलब 2 घंटा. तो इसकी मम्मी और मैं कभी भी इसके टाइमिंग पे भरोसा नहीं करते. बट दिस टाइम शी वाज सो करेक्ट, सो राइट. मैंने
उसने कहा था कि भैया 3 बजे तो बजेंगे, अभी 3 बज जाएंगे, ऊपर जाते जाते हमें सोते सोते तो 4 बजेंगे, नहीं पैकिंग करते करते 4 बज जाएंगे, फिर 5 बजे जाके हम 5 बजे तक सोएंगे और हमें उठना है 6:30 बजे उठना है क्योंकि 12 बजे की T3 से हमारी फ्लाइट है। गुड मॉर्निंग गाइस, हाय गाइस, आज है 16 तारीख, आज हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, अभी नहीं एयरपोर्ट नहीं जा रहे, अभी जा रहे हैं माँ बाप के घर, वहाँ से कुछ छोटा सा एक सामान लेना है मेरे को, उनसे मिलना है जैसे मैंने कल बोला, और मिलके सी ऑफ करके वैसे बाबा कह रहे थे पहले कि वो बोट छोड़ने जाएंगे बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाएंगे, उनको कुछ काम है, सो हम अपना कैब करके मस्त मियाँ बीवी निकल जाएंगे और कैब वाला T3 टिक करके पहुँचा देगा।